आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एम के सेन। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज की इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। जीवन के इस दौर में जब आप हर दिन कोरोना से अपना बचाव कर रहे हैं, सारी एहतियात बरत रहे हैं, आज पूरा विश्व हमारे देश की ओर देख रहा है कि हम इसका कैसे मुकाबला कर रहे हैं, और जब हम इस जंग को जीत जाएंगे तो हमारा यही अनुशासन पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनेगा और हमें इस बात का फख्र रहेगा कि कोरोना महामारी के नियंत्रण और इस पर विजय में हम दुनिया के सामने मिसाल बन पाए। शायद यही वजह है कि आज हमारे देश में कोरोना की रेट ऑफ रिकवरी यानी ठीक होने की दर दुनिया के ज्यादातर देशों की अपेक्षा कहीं बेहतर है और मृत्यु दर यानी डेथ रेट भी बाकी दुनिया के मुकाबले सबसे कम है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के रेस्पिरेटरी डिजीज विभाग में कंसल्टेंट डॉक्टर एम के सेन। डॉक्टर सेन नमस्कार, हम आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। जी नमस्कार, श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 01-233-1444 पर पूछ सकते हैं। डॉक्टर सेन, अगर देश में कोरोना की ताजा स्थिति को देखें तो देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर अब 76% से ज्यादा हो गई है। कोविड-19 के कुल संक्रमण के मामलों की तुलना में इस समय देश में लगभग 3.5 गुना लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 30 दिनों में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर ताजा मिले मामलों का 100% है। अब तक 25 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 56,000 से अधिक लोग इलाज के बाद ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुल संक्रमित लोगों में से केवल 0.29% मरीज वेंटिलेटर पर हैं और मात्र 2% लोग आईसीयू में हैं। मृत्यु दर भी तेजी से घटकर 1.83% पर आ गई है। हालांकि पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 75,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। डॉक्टर सेन, आप इन आंकड़ों को देखकर क्या कुछ कहेंगे कि कोरोना की वर्तमान स्थिति कैसी है हमारे देश में? कि आपने आंकड़े बिल्कुल सही फरमाया, जैसे कि आपने बताया कि आंकड़ों के हिसाब से हमारे आंकड़े दूसरे देशों की तुलना में बहुत ही अच्छे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि मृत्यु दर हमारे देश इतना महान है, इतना बड़ा है, इतनी जनसंख्या है और इतने चैलेंजेस के बावजूद हमने दुनिया के सबसे कम से कम मृत्यु दर हमारा है। और जैसे फरमाया, हमारे डिस्चार्ज केसेस की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जी। और जहां पर इतनी बड़ी जनसंख्या है वहां पर वो और इस महान स्तर पे, इस बड़े स्तर पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम ज्यादा से ज्यादा केस टेस्ट करके हम निकालेंगे और उनको ट्रीट करेंगे। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर सेन आपने बताया कि टेस्टिंग हम ज्यादा कर रहे हैं, और अपने श्रोताओं को बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 9,25,000 हम जांच कर चुके हैं और करीब करीब हम 10 लाख के आंकड़े के करीब हैं, जो कि सरकार का लक्ष्य है। और देश में प्रति 10 लाख की आबादी में लगभग 27,000 लोगों की जांच हो रही है। आप जांच की जो संख्या बढ़ाई जा रही है, क्या कोरोना के ज्यादा मामले आने का एक कारण ये भी है कि अब ज्यादातर लोग सामने आ रहे हैं, जांच करा रहे हैं तो पता चल पा रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये स्वभाव, ये बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जैसे जैसे हम अग्रसर हो रहे हैं, हमारी जानकारी बढ़ रही है, लोग स्वतः अपने आप घरों से निकल के टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं और टेस्टिंग की संख्या भी हमारी बढ़ाई जा रही है। कई कैंप्स लगाए जा रहे हैं, फीवर क्लिनिक्स लगाए जा रहे हैं, तो सभी जितने भी जन स्वास्थ्य केंद्र हैं हमारे देश में सभी में इसमें ये सेवाएं उपलब्ध हैं। और हमारे देश ने जिस तरह से टेस्टिंग बढ़ाई है,
WHO ने भी जो मानक तय किए हैं मिनिमम टेस्टिंग से, उससे हम कहीं ऊपर चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। और ये जैसे कि आपने बोला था शुरू में प्रोग्राम के कि एक हम विश्व के सामने के एग्जाम्पल या उदाहरण स्वरूप हम उभर के आ रहे हैं। जी, और डॉक्टर साहब दिल्ली की अगर हम बात करें तो कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या काफी यहां नियंत्रण में थी, लेकिन अभी इसमें कुछ बढ़ोतरी देखी जा रही है और आज भी 1800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, और इसलिए शायद दिल्ली में भी टेस्ट को दोगुना करने की बात करी जा रही है। अब 40,000 तक टेस्ट किए जाएंगे। आप क्या कारण मानते हैं मास्क डिसिप्लिन में कमी है? दिल्ली पुलिस ने आज भी मास्क न पहनने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर 4,134 लोगों का चालान भी किया है, तो क्या कुछ लोगों से आप कहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे आपने देखा कि राजधानी में संक्रमित लोगों की जो रोगियों की संख्या बिल्कुल कम हो गई थी, अब पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि वो धीरे धीरे करके थोड़ी सी बढ़ गई है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात इसमें अनुशासन है, क्योंकि जो तीन हमारे पास अस्त्र हैं, एक आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क डिसिप्लिन और हैंड वॉशिंग, इन तीनों से हम अपने आप को एक नियमित तौर पे, एक अनुशासित तौर पे और संयम बनाते हुए अगर हम इसका पालन करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के डेट में ये सबसे बड़ा हथियार हमारे पास यही है। और जैसे जैसे हमारे संख्या कम हुई तो शायद मैं समझता हूँ लोगों में एक धारणा ये आ गई कि वायरस गायब हो गया है और अब हम खुले में बिल्कुल आ सकते हैं, बगैर मास्क पहने आ सकते हैं। ये मैं कहना चाहूंगा कृपया ऐसा नहीं करें, ये गलत धारणा है। और हम जब आज जब निकलते हैं, देखते हैं बाजारों में भीड़ देखते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग की कमी देखते हैं, मास्क डिसिप्लिन नहीं है, मास्क ठोड़ी के नीचे, चिन के नीचे होता है, और ये सारी चीजें मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूट करती हैं थोड़ी सी इसमें आपकी जो संख्या है पॉजिटिव रेट की, ये इसकी बढ़ोतरी में। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए कि डॉक्टर सेन, अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो उसके बाद अगर हम देखें तो पिछले दिनों जिस तरह से सेलिब्रिटीज ने या राजनेताओं ने, जिनको भी हुआ, भी हमने देखा कि पंजाब में भी बहुत सारे लोगों को, एमएलएस को हो गया, तो लोग किस तरीके से होने के बाद वो ट्वीट करते हैं, वो घबराते नहीं इस बात से कि इस बीमारी को हम छुपाएं, बल्कि वो सबको बताते हैं, ट्वीट करते हैं और अपने संपर्क में आए लोगों से निवेदन करते हैं कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्वारंटीन कर लें, क्योंकि यहां पे ये जरूरी है कि हमारे अपने स्वास्थ्य के साथ एक कम्युनिटी का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ी चीज आपने बोली है कि सबसे बोला है आपने, बिल्कुल ठीक फरमाया कि पहले जो भय या डर हमारे मन में था कि भाई ये ऐसी बीमारी है तो फिर सामाजिक स्तर पे हम एक स्टिग्मेटाइज हो जाएंगे, ऑस्ट्रोसाइज हो जाएंगे और हम ये अच्छा रहेगा कि हम इसको छुपा के रखें, तो ये ऐसा कतई ना करें। और आप जानते हैं कि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो आप छिपाने से न केवल अपने आप अस्वस्थ होंगे लेकिन आपके स्वजन परिवार में, आपके आस पड़ोस में जो हैं, इनको आप, इनके लिए एक एक डेंजर, एक इन तक रोग फैलाने में आप और भी सहयोग सहायता करेंगे। तो इससे सबसे बड़ी बात है कि निडर होकर के पहले सामने आए, जब भी हमारे सिम्टम्स जो कि ना हमारे ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया में और सभी माध्यम में हमें मालूम हो गया है, जब भी आए तो हम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे, हम बताएं और स्वास्थ्य इसका हम टेस्टिंग कराएं और जो भी डॉक्टर साहब का कहना है उसको मानते हुए चले। और डॉक्टर सेन, जैसा कि देखिए मास्क के लिए बहुत सारी अपील भी की जा रही है और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक मास्क कई जिंदगी, क्योंकि एक मास्क बहुत सारी आपकी जिंदगी को तो बचाता है लेकिन बहुत सारी जिंदगी को भी बचाता है। मध्य प्रदेश में कैंपेन चलाई गई रोको और टोको, तो अगर हम सभी एकजुट हो जाएं और एक इसको एक पब्लिक पार्टनरशिप या जन भागीदारी का स्वरूप दें और सब लोग, जो लोग नहीं लगा रहे हैं उनको टोकना शुरू करें, उनको एजुकेट करना शुरू करें, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी क्रांति आएगी। और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती हम इससे प्रोटेक्टेड रहेंगे और नंबर ऑफ केसेस में भी कमी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है मास्क डिसिप्लिन।
ये बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सभी को, पुरुष स्त्री नारी पुरुष सभी को ये मालूम होना चाहिए कि मास्क हमारे एक अभिन्न अंग बन चुका है। अगर हमारे पास कपड़े का मास्क है या फैब्रिक का मास्क है वो भी चलेगा, या गमछा है वो भी चलेगा, या हमारे पास मेडिकल मास्क हमेशा आवश्यक नहीं है कि हम मेडिकल मास्क यूज करें या और कोई सोफिस्टिकेटेड मास्क यूज करें, लेकिन मास्क डिसिप्लिन का होना अति आवश्यक है। जी, और इसके साथ बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे राजस्थान में बाड़मेर का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं गोविंद जी। गोविंद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर, मेरा कोरोना से जुड़ के दो सवाल है। जी, पहला सवाल ये है कि हम कहीं पे कोरोना पॉजिटिव चेक कराना चाहते हैं, कहाँ पे करवाए? जी, दूसरा सवाल ये है मेरा कि हम मास्क का उपयोग करें तो कैसे करें? जी, यहाँ पे दो बड़े सवाल इन्होंने उठाए हैं। पहला तो ये है कि कोरोना का अगर आपको टेस्ट कराना है तो डॉक्टर साहब ये कहाँ पे जाके करा सकते हैं? जी गोविंद जी, आपने ये दोनों मुद्दे जो उठाए बहुत ही आवश्यक, बहुत ही अहम है। सबसे पहले जो आपका सवाल है कि कहाँ पे आप टेस्ट कराएं, तो मैं ये चाहूंगा कि आजकल हमारे पास मोबाइल फोन सभी के पास है, तो मोबाइल फोन से अगर हम आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें जो फ्रीली डाउनलोडेबल है, यहाँ पे हमारे निकटतम जो भी स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे निःशुल्क ये सेवाएं उपलब्ध हैं टेस्टिंग के, इसका ज्ञान हमें मिल सकता है। और सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ये उपलब्ध है, ये टेस्टिंग की फैसिलिटी कहाँ पे है इसकी जानकारी सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है और हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, तो आपके निकटतम जो भी स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध की जाती है मुहैया कराई जाती है, ये आपको प्राप्त हो सकता है। और डॉक्टर सेन ये जानना चाहते हैं कि मास्क को लगाने का सही तरीका क्या है? हाँ, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, मास्क सबसे पहले हम ये देखें कि जब भी हम घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। अगर घर पे सभी स्वस्थ हैं तो घर के अंदर मास्क उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मास्क कई प्रकार के आते हैं, जो कपड़े का मास्क होता है वो ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजार में भी उपलब्ध है और घर पे बनाया भी जा सकता है। और दूसरे मास्क जो होते हैं डिस्पोजेबल मास्क हैं जो दुकानों में मिलते हैं, वो भी ट्रिपल लेयर मास्क होते हैं, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मास्क नाक और मुंह दोनों को ढके रखना अति आवश्यक है। जी, और अगर हम कई दफा ये देखते हैं कि मास्क आधा अधूरा रह जाता है, या तो नाक से सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है, या मुंह में मतलब ठोड़ी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क को, ये गलत तरीका है। और मास्क एक बार गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उसका उपयोग करना बंद कर दें, डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दें, और अगर वो कपड़े का है तो उसको धूप में सुखा के दोबारा इस्तेमाल करें, और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक है। और इसका इस्तेमाल जब भी घर से बाहर कदम रखें तब से लेकर के वापस जब तक आप घर ना आ जाएं तो तब इस्तेमाल करना आवश्यक है। जी, और इसके बाद राजस्थान के बाद अब हम रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं श्रीमती वसंती वर्मा जी। हेलो वसंती जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। जी हाँ डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो कोरोना वायरस देश भर फैला विदेश में, तो बाहर से आते हैं उसको 14 दिन का क्वारंटाइन रखते हैं, तो जो कोरोना वायरस है वो क्या 14 दिन बाद खत्म हो जाता है? वायरस जो है उसका इफेक्ट नहीं रहता बाहर, मतलब बाद में 14 दिन तक ही रहता है क्या जीवित उसका? जी डॉक्टर सेन, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि 14 दिन के क्वारंटाइन में जब हम जाते हैं तो क्या हम कोरोना के संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ने में सफल होते हैं? जी हाँ, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, अभी तक जो हमारे पास जानकारी है इसमें ये देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस से संक्रमण हो जाता है तो एक इंक्यूबेशन पीरियड जिसको कहा जाता है कि जब वायरस तो शरीर के अंदर है लेकिन मरीज को इसका पता नहीं लगता, इसके कोई सिम्टम्स या कोई भी सिम्टम्स इनको, जैसे कि खांसी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब ये एंट्री पॉइंट से लेकर के पहला जो सिम्टम आता है इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और जो लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड हमें अभी तक मालूम है ये 14 दिन का है। इसलिए ये कहा जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति
जो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, जिसको कोई नहीं है और जो बाहर से हमारे राज्य में हमारे संपर्क में आया है, उसे हम 14 दिन तक तो इसलिए हम अलग रखते हैं, अकेले में रखते हैं कि अगर इनके अंदर ऑलरेडी कोई वायरस आ चुका है, संक्रमित हो चुके हैं, तो 14 दिन के अंदर अंदर इनको सिम्टम्स आ जाएंगे। और अगर 14 दिन तक ये बिल्कुल स्वस्थ रहे तो ये हमें कंक्लूड करना पड़ेगा कि ये स्वस्थ है और इनके अंदर कोई वायरस नहीं है, इसलिए ये 14 दिन का फिगर है कि इनको हम क्वारंटीन के लिए रखते हैं। जी बिल्कुल, और हम जैसा देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे जैसे आईपीएल भी होने वाला है, जो भी टीम आ रही है वो सब क्वारंटीन में जा रही है, तो हर जगह इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी यही है और हर जगह इसका पालन किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अब हम राजस्थान में बाड़मेर का रुख करते हैं, जहां से किशन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किशन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी किशन जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी किशन जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार सर, किशन बोल रहा हूँ, गांव घुमाना कला तहसील जिला बाड़मेर राजस्थान से। जी जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? सर ये पूछना चाहता हूँ सर, इधर दुकान जाते हैं सर, जैसे वो वापस जैसे दुकानदार देता है तो उसमें सर कोरोना हो सकता है पेशेंट में। जी डॉक्टर सेन, ये जानना चाहते हैं कि अगर हम बाहर से किसी भी दुकान से सामान खरीदते हैं तो उसको बाहर से सामान खरीदने के बाद जब हम घर लेकर आते हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या उसके प्रोटोकॉल्स हैं, क्या उससे कोरोना के संक्रमण का खतरा होता है? जी हाँ, ये किशन जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि बाजार से या बाहर से कोई भी सामान अगर हम घर लाते हैं और वो खुला पड़ा हो, वो किसी और ने हैंडल किया हो उस सामान को, तो उसके जरिए ये जो संक्रमण है ये होने की संभावना बिल्कुल है। तो बाहर हम कुछ भी लाते हैं, जैसे सब्जी लाते हैं, फल लाते हैं या कुछ भी सामान लाते हैं, तो उचित ये होगा कि इसको अच्छी तरह से धो लें और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। और न केवल ये, जब हम बाजार जाते हैं तो हम करेंसी नोट्स या कॉइन्स का इस्तेमाल करते हैं, नोट रुपए पैसे में जो भी लेन देन होता है बाजार में, उसको जब हम हाथ से हैंडल करते हैं तो बाहर आकर के घर आकर के हम हाथ साबुन, रनिंग वाटर और सोप से जरूर धोएं। और ये आवश्यक है कि ऐसी चीजें जो फोमाइट्स हैं, कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके जरिए ये वायरस आ सकता है, इसकी संभावना खत्म हो जाती है अगर हम ये सावधानी, सिंपल सी सावधानी का प्रयोग करें। डॉक्टर सेन, इसी से जुड़ा हुआ आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जैसे अगर हम सरफेस से जो कॉन्टैक्ट से जो हमें संक्रमण हो सकता है और एक जो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से हो सकता है, तो संभावना किसमें ज्यादा होती है और क्या सरफेस कॉन्टैक्ट में इतना वायरल लोड होता है कि वो हमें इन्फेक्ट कर सके? देखिए ये एक वायरल डिजीज है जिसका एजेंट सार्स कोरोना वायरस 2 है, तो ये देखा ये गया है कि ये रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी कि श्वास द्वारा ही इसका संक्रमण होता है। तो जाहिर है कोई अगर हमारे 1 मीटर से कम डिस्टेंस में रहे और वो बगैर मास्क का रहे और हम भी बगैर मास्क का रहे, तो जब वो खांसता है या छींकता है या बातचीत भी करता है, तो ये जो वायरल पार्टिकल्स हैं ये ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ये तैरते हुए हमारे हवा के जरिए, उसके सांस के जरिए हमारे तक, हम तक पहुंच सकता है। और हम अपने नाक से या मुंह से सांस जब लेते हैं तो हमारे सांस की नालियों में ये जाकर के हमें भी संक्रमित कर सकती है, और यही आधार है मास्क का उपयोग करने का। और 1 मीटर का डिस्टेंस इसलिए बताया गया है कि साधारणतः 1 मीटर से अधिक ये ट्रैवल नहीं कर सकता, इसलिए हम 2 गज की दूरी या 1 मीटर की दूरी हम प्रयोग करते हैं। अब आपने दूसरा जो सवाल आपने किया कि भाई किसी सरफेस में, अब सर्फेसेस कॉमनली टच्ड सर्फेसेस जैसे दरवाजे हैं उसके हैंडल्स हो गए, या स्विच बोर्ड में हम पंखा या लाइट जलाते हैं तो उसके स्विचेस हो गई, या फिर कोई लैपटॉप या कंप्यूटर है या कलम है जो एक से अधिक एकाधिक व्यक्ति उसको हैंडल कर रहा है, या टेबल है, तो ऐसी चीजों में वायरस सेटल रह सकता है और उसको एक दिन से कई दिनों तक भी वो रह सकता है। लेकिन संभावना जरूर है, लेकिन किसी व्यक्ति के संपर्क में जो कि संक्रमित है उससे कम है। और सबसे आसान तरीका इसका ये होगा कि ऐसे कोई भी सर्फेसेज जो कॉमनली टच्ड हैं इनको हम साफ रखें, या तो साबुन पानी से ही साफ कर दें, या फिर कोई अल्कोहल वाली जो हैंड सैनिटाइजर उससे साफ करें, या सबसे बढ़िया 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का हम पानी का घोल बना करके उससे साफ करें। तो संभावना दोनों चीजों से है, लेकिन अधिक संभावना किसी ऐसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बगैर मास्क के से ज्यादा है।
जी जैसा कि डॉक्टर सेन ने बताया कि 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का घोल बनाकर हम सरफेस को अगर साफ करते हैं तो कोरोना से संक्रमण के जो चांसेस होते हैं उस सरफेस पे वो बहुत कम हो जाते हैं। और अब हम रुख करेंगे राजस्थान छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश का बिजनौर का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राशिद अंसारी जी। राशिद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा सवाल यह है कि जैसे हम चाय का पैकेट या साबुन का पैकेट लाते हैं जी, तो बाहर से तो हम उसे सैनिटाइज कर लेते हैं, लेकिन अंदर से तो वो हाथों के द्वारा ही पैक हुआ हुआ है जी, तो क्या उससे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी? उसका उपाय बताएं आप सर। जी डॉक्टर सेन, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो पैक्ड चीजें हम बाजार से खरीदते हैं, चाहे वो चीनी हो, चाय हो, दूध हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि बाहर से तो हम पैकेट को सैनिटाइज करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत सारी चीजें पैकेजिंग ऐसी होती हैं जो हाथों के द्वारा होती हैं, तो ऐसे केसेस में क्या कोई संभावना हो सकती है कोरोना संक्रमण की? हाँ देखिए, ये सवाल बहुत ही पर्टिनेंट है, लेकिन जो पैक्ड सामान है उसके आउटर पैकिंग जो पैकेट होता है कागज का या जो भी है जिनका, उसमें वायरस पार्टिकल्स का सेटल होना इसकी संभावना अधिक है। वो इसलिए कि वो बिल्कुल खुला है और वातावरण से बिल्कुल डायरेक्ट संपर्क में है, लेकिन अंदर जो चीज पैक की गई हो सकता है कि कई दिनों पहले पैक की गई हो, एक्सपायरी डेट लिखा होता है लेकिन कई दिनों पहले। और सबसे बड़ी बात ये जो चीज आपने बताया राशि जी ने कि जैसे चीनी हो गया या ऐसी चीजों को इस्तेमाल करते वक्त हम या तो जैसे साबुन है उसको रनिंग वाटर वैसे ही मिल जाता है तो रनिंग वाटर में वो वैसे ही धुल जाता है, और अगर चीनी है या ऐसी कोई चीज है जिसको चाय या चाय पत्ती है उसको हम उबालते हैं तो हम उसको उबालते वक्त वायरस को खत्म कर रहे हैं, तो इसकी संभावना ना के बराबर है। लेकिन हाँ, बाहर का जो उसका कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, उसको साफ करना हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अब हम रुख करेंगे उस राज्य का जहां पे आज कई सारे विधायक संक्रमित पाए गए हैं, पंजाब का, जहां से मुक्तसर से कर्नल सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कर्नल जी नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो कर्नल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी कर्नल जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मेरा, हाँ जी जी, सवाल पूछिए। जी अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। मेरा ये सवाल है जी, कई चीजें तो हम सैनिटाइजर भी कर सकते हैं, तो भी सकते हैं जी, कई कोई सामान होता हो तो है नहीं जा सकता जी, तो उसका कैसे हम पा करें जी? डॉक्टर सेन, कई चीजें ऐसी हैं जो हम बाजार से लाते हैं उसको हम सैनिटाइज कर सकते हैं, पर बहुत सारी ऐसी भी वस्तुएं हैं जिसको हम सैनिटाइज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी चीजों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ज्यादातर किशन जी आपने बिल्कुल, कर्नल सिंह जी आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कुछ ज्यादातर मैं तो समझता हूँ ऐसी खाने पीने की वस्तु है या कोई ऐसी चीज है उसको तो हम धो करके ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जैसे कि आप कुछ जैसे कॉपी बुक हो गए, किताब हो गई, अखबार हो गया, तो देखा यह गया है शोध पत्र में कि अखबारों से ट्रांसमिशन रेट बहुत ही कम होता है, और जब अखबारें छपती हैं तो सावधानी बरती जाती है जी। और कुछ ऐसी चीजें जरूर होती हैं जो कि हम धूप में अगर उसको छोड़ दें कई घंटों तक तो उससे भी हम कुछ हद तक उससे हम मदद हमें मिल सकती है, तो अधिकतर सामान जो कि ना धो, सबसे मैं बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि रनिंग वाटर एंड सोप में अगर हम किसी चीज को हम धोएं तो और कम से कम उसको 20 से 40 सेकंड तक धोएं तो सबसे बड़ा एक किस्म गारंटी है कि हमने इसे वायरस मुक्त या फिर ज्यादातर मतलब साफ सेवन के लिए बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं जी। और डॉक्टर सेन, ऐसा आजकल देखा जा रहा है कि सैनिटाइजर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण स्किन में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, लोग इस तरह की शिकायत कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे और इससे कैसे बचा जा सकता है? हाँ, सैनिटाइजर देखिए, सैनिटाइजर अपनी जगह है और हाथ धोना अपनी जगह है, जहां पे रनिंग वाटर सोप है वहां पे हाथ धोना तो डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है, और सैनिटाइजर भी कई प्रकार के आते हैं, हमें ये देखना है कि वो मापदंड उसका क्या है, कई मतलब कम से कम उसको 60 या 70% अल्कोहल बेस अगर हो उसे तो उसी सैनिटाइजर का हम इस्तेमाल करें। मार्केट में कई प्रकार के सैनिटाइजर आते हैं, सुगंधित सैनिटाइजर हैं, कलर्ड सैनिटाइजर हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है,
हमें अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर ही इस्तेमाल करना है, 70% अल्कोहल, और उसमें मात्रा बहुत कम लेनी है, और उसको जैसे हाथ धोने का तरीका होता है बिल्कुल वैसे ही, जैसे उंगलियों के बीच का हिस्सा हुआ, उंगलियों के टिप्स हो गए नाखूनों के, या फिर तलवे हो गए, हाथ का ऊपरी हिस्सा हो गया, कलाई हो गई, सबको अच्छी तरह से कम 20 सेकंड तक हमें इसका इस्तेमाल करें, और जब तक ये सूख ना जाता हो हम हाथ का इस्तेमाल ना करें। जब सैनिटाइजर हमारे हाथ में लगा है उस वक्त, और सैनिटाइजर उस के बाद में हाथ धोना भी कोई जरूरी नहीं है कि सैनिटाइजर और हाथ धोना दोनों इकट्ठे कर। सैनिटाइजर इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये हमारे जेब में आ जाता है, कहीं पे पानी नहीं है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ फिर भी कि अगर रनिंग वाटर, साफ पानी और साबुन का इस्तेमाल हम करें सबसे अच्छा है। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर सेन ने बताया कि अगर हमारे पास रनिंग वाटर अवेलेबल है, साबुन अवेलेबल है, तो हमको हाथ उसी से धोना है, लेकिन अगर हम किसी ऐसी जगह है जहां पे इनकी उपलब्धता नहीं है तो हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरीके से हम इससे होने वाली समस्याओं से भी बच सकते हैं। अब हम रुख करते हैं जोधपुर का, जहां से हमारे साथ अब्दुल हकीम जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अब्दुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं नमस्कार, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जी प्लाज्मा जो अभी चल रहा है ना, प्लाज्मा बहुत अच्छा काम कर रहा है जी। इस प्लाज्मा के बारे में ये पूछना चाहता हूँ कि प्लाज्मा एक तो आम ऑपरेशन के वक्त में खून लिया जाता है उस तरह से लिया जाता है या किसी और तरह से? दूसरा सवाल मेरा ये है कि प्लाज्मा कितनी उम्र से लेके और कितनी उम्र तक लिया जा सकता है? जी डॉक्टर सेन, बहुत जल्दी से आपका जवाब चाहेंगे कि प्लाज्मा किन लोगों को दिया जा सकता है और कौन सा व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? जी, प्लाज्मा थेरेपी, सबसे पहले मैं साफ बता दूं आपको कि ये अभी एक, इस पे रिसर्च अभी भी जारी है, ऐसा नहीं है कि एक ये मैजिक पिल है, लेकिन हाँ प्लाज्मा कई रोगों में दिया जाता है। आज से 100 साल पहले जो फ्लू हुई थी उसके अंदर भी दी गई थी, और प्लाज्मा देने के लिए कौन काबिल है? जो एक बार संक्रमित होकर के बिल्कुल ठीक हो गए हैं और उनको 3-4 हफ्ते हो गए हैं, उनमें एंटीबॉडीज ग्रो कर गई हैं, केवल मात्र वही दे सकता है। और प्लाज्मा लेने का तरीका बिल्कुल जैसे ब्लड डोनेट करते हैं उस तरीके का होता है। दूसरा तरीका होता है प्लाज्मा सेरेसिस, जिसमें केवल मात्र प्लाज्मा लिया जाता है व्यक्ति से जो डोनर है, और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, दूसरे हैं, वापस व्यक्ति को चला जाता है। तो प्लाज्मा सेरेसिस एक बेटर तरीका है प्लाज्मा डोनेट कलेक्ट करने का, और प्लाज्मा किसी भी ऐसे मरीज को नहीं दिया जाता है, जो माइल्ड केसेस है उनको नहीं दिया जाता है, जो रोगी संक्रमित है, मॉडरेटली सीवियर, जिसको जो दवाइयां हैं बाकी दवाइयों से जो कामयाब नहीं हो रहा है और जिसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है या फिर सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं, केवल मात्र उन्हीं को दिया जाता है। बिल्कुल, तो जैसा डॉक्टर सेन ने बताया कि प्लाज्मा हम 3-4 हफ्ते के बाद, एक बार जिस मरीज को कोरोना हो जाता है फिर आप ठीक हो जाते हैं, तो 3-4 हफ्ते के अंदर आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, चलते चलते डॉक्टर सेन आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे? जी, मैं केवल मात्र यही बताना चाहूंगा कि आप अनलॉकडाउन के अब हो रहा है, लेकिन कृपया अपने सावधानियां बरतें। आप ये ना भूलें कि वायरस अभी भी हमारे पास मौजूद है, हमें सावधानी वैसे ही बरतनी चाहिए। मास्क डिसिप्लिन बहुत नियमित रूप से, अनुशासित रूप से करना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग अवश्य करना चाहिए, और स्वस्थ रहें और सावधान। जी, और डॉक्टर सेन, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि जैसा कि डॉक्टर सेन ने कहा, आप मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, साथ ही सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कीजिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप अपने आसपास लोगों में जागरूकता फैलाइए, आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर एमके सेन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।